Yo, what's up guys, कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to Car for Sales Simulator. तो गाइस ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप को हम बीटा में कैसे कन्वर्ट करें और बीटा में करने से क्या होगा. तो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. पहले चैनल पर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो. तो वीडियो को शुरू करते, लेट्स गो. तो गाइस पहले तो ये जान लेते हैं कि बीटा करने से क्या होगा. तो गाइस बीटा करने से क्या होगा कि सबसे पहले अपडेट आपके पास ही आएगा, जो भी अपडेट हो. तो गाइस बीटा करने से भाई आपका फ़ायदा ही होने वाला है. तो चलिए दिखाता हूँ कि कैसे बीटा में कन्वर्ट करें. तो गाइस पहले तो आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है. उसके बाद आपको सर्च पर जाके आपको क्या करना है, कार सेलर सिमुलेटर को लाना है. उसके बाद गाइस आप देख सकते हो अभी मेरा यहाँ पर बीटा नहीं है. तो गाइस आपको क्या दिख रहा होगा, जिस आईडी से अपना ये डाउनलोड किया है ना, उस आईडी पर ये जाने को बोला है. तो तभी हमारा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. तो गाइस चलो चलते हैं मेरे दूसरे आईडी पर जिससे मैंने ये गेम डाउनलोड करा था. तो गाइस अभी मैं अपने दूसरे वाले अकाउंट पर आ गया हूँ जिससे मैंने डाउनलोड किया था. और अभी गाइस यहाँ पर देखो अभी भी बीटा में कन्वर्ट नहीं हुआ. तो गाइस आपको क्या करना है, ये जो ज्वाइन वाला बटन आपको दिख रहा है ना, उसमें प्रेस कर देना है. उसके बाद गाइस अभी भी नहीं हुआ तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा प्ले स्टोर को बैक कर लेना. उसके बाद फिर से पेज पर जाने के बाद ये देखो भाई बीटा आ गया ऑप्शन वाला. तो गाइस यहीं पर होता है बीटा कन्वर्ट. तो गाइस जाओ और जाके सीधा बीटा में कन्वर्ट कर लो भाई. तो गाइस यही बताने के लिए आया था कि बीटा में कन्वर्ट कर लो. कन्वर्ट करने से बहुत ही फ़ायदा है आपका ही, जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपके पास ही आएगा. तो गाइस आज वाले वीडियो में बस इतना ही. चैनल बने हो तो कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय.